हम आपको टेबल क्लॉथ बनाना बताएंगे। शुरुआत करते हैं। 8 चैन बनाना है, रिंग की तरह इसे कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया हम उसके अंदर से ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया करना है हमें। कुल 14 क्रोशिया करना है। ये 14 क्रोशिया हमने कर लिए। पांच चैन लिया हमने, उसके ऊपर एक छोड़ के, एक नीचे से चैन छोड़ के दूसरे में हमें सिंगल क्रोशिया ही निकालना है। ऐसे हमें 8 होल करने हैं। इस तरह से हमें 8 होल करने हैं। सिंगल क्रोशिया निकालना है, 3 चैन करनी है। तीन चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया करना है हमें। 8 होल हम बना लेंगे। ये हो गया हमारा 8 होल। उसके अंदर हम होल के अंदर हम अंदर से हम चैन लेंगे। सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है उधर। उसके अंदर से 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। दो दो सिंगल क्रोशिया होल में से हमें करनी है। 8 होल है, 8 होल में से हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। डबल, तीन तीन चैन लेते हुए बनाना है हमें पूरी लाइन। ये देखिए, एक दो सिंगल क्रोशिया 2 बार लेने हैं। 3 चैन दिया है। ऊपर की लाइन में हमें, हमने जोड़ लिया ये, ऊपर की लाइन में हमें पीछे से एक छोड़ के 2 आगे से बढ़ाना है। जैसे कि हमने नीचे 2 लिया था, ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशिया करनी है। 3 चैन लेने हैं। आगे की तरफ छोड़ते जाए, पीछे आगे की तरफ छोड़ते जाएंगे, पीछे की तरफ 2 हम ज्यादा लेते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही लेनी है हमें। इसे हम लहर की तरह ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, लहर की तरह बनाते जाना है। 3 3 चैन हमें लेना है। इस तरह से बनाते जाएंगे हम पूरी लाइन। जैसे कि हमने पहले 2 लिया, फिर उसके ऊपर हमें 4 लिया है, फिर उसके ऊपर से हमें 2 और बढ़ाने हैं। उसके ऊपर से एक पीछे से कम, 2 आगे से ज्यादा सिंगल क्रोशिया करना है। ऊपर हम 7 लेंगे। ये हमारा, ये लाइन 4 लिया हमने, कंप्लीट हो गया लाइन हमारा। ये चैन हमको 3 ही लेना है ऊपर भी। ये लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया 7 करना है, सॉरी 5 करना है। सिंगल क्रोशिया हमें 5 करने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बनाते जाएंगे आगे। ऊपर 5 करेंगे,
फिर उसके ऊपर लाइन हमें सात करनी है, सिंगल क्रोशिया ही लेंगे हम, तीन चैन ही लेना है। तीन चैन लेते हुए हमें ऊपर ऊपर बढ़ाते जाएंगे, जैसे शुरुआत में हमने दो लिया, फिर उसके ऊपर चार लिया, फिर उसके ऊपर हम सात करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से हम ये लाइन बना लेंगे। दो बनाया हमने ऊपर से, चार चार बनाया है। फिर हम तीसरी लाइन लेके गए, तीसरी लाइन में हमने सात बनाया है, तीसरी लाइन में हमने सात किया है, सिंगल क्रोशिया सात है, चैन हमने तीन ही लिए हैं, तीन तीन ही चैन लेते जाएंगे आगे भी। इस तरह से हम ऊपर की तरफ कर लेंगे जब तक 10 नहीं हो जाते। 10 होने तक हमें आगे करना है, ऐसे ही बढ़ाते जाने हैं दो आगे से सिंगल क्रोशिया लेके। इसी तरह हमें बनाना है। इस तरह से बनाते जाना है। ये देखिए, ये पूरी लाइन हम ऐसे ले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया सात चल रही है हमारी तीसरी लाइन में, तीन ही चैन लिया है, आगे भी हम तीन तीन चैन ही लेंगे। और इसी तरह से बनाते जाएंगे हम, इसी तरह से 7, 9, 10 तक हम कर लेंगे। ये लहर की डिजाइन, लहर जैसी दिखाई देगी आपको ये। ये दो बढ़ाया है,
इसी तरह से बुनते जाएंगे। हमने इसमें पतला ऊन लिया है जिसे हम बेबी ऊन बोलते हैं। आपको चाहिए तो आप मोटा ऊन ले सकते हो। ये देखिए इसी तरह बनाते जाएंगे ऊपर। ये हमारा 10 हो गया है। सिंगल क्रोशिया 10 तक हमने कर लिया है ऊपर। अब हम इसे जोड़ देंगे। ये लाइन पूरी हो गई हमारी। यहां से हम सफेद ऊन जोड़ेंगे। उसके ऊपर से हमें अब एक पीछे से और एक आगे से घटाना है। सिंगल क्रोशिया ही हम लेंगे इसके ऊपर। 3 चैन लेने हैं। हर एक के ऊपर हमें एक एक घटाने हैं। एक सिंगल क्रोशिया पीछे से, एक आगे से। जैसे कि हमने नीचे 10 लिया था तो ऊपर हमारा 9 आना चाहिए। इस तरह से इसके अंदर हमने पहले लाइन में सफेद पहले लाइन में हमने 2 चैन लेके 8 सिंगल क्रोशिया बनाया है। 2 चैन लेके हमने 2 डबल क्रोशिया चैन के अंदर से लिया है। फिर 2 चैन लिया है उसके ऊपर से हमने 9 सिंगल क्रोशिया लिया है। 9 सिंगल क्रोशिया लिया है। ये हमें ध्यान देना है सफेद पहले लाइन में हमें डबल क्रोशिया 2 करने हैं। उसके ऊपर से हमें एक एक घटाने हैं इस तरह से। और जो हमने डबल क्रोशिया 2 लिया है उधर हमें बढ़ाते जाने हैं। इस तरह से हमने बढ़ा के बना लिया है। इस तरह से हमने घटाया है और इधर घटाया है। सिंगल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया लेके हमने ऊपर बढ़ाया है। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया ही लिया है। आप चाहिए तो डबल क्रोशिया आप ले सकते हो। हमने इसमें सिंगल क्रोशिया लिया है। ये 3 चैन लेके हमने उसके ऊपर एक लाइन सादा लेके जाएंगे। सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। तो चैन लेंगे। 2 चैन लिया हमने इधर। 2 चैन लेके सिंगल क्रोशिया किया है। हर एक होल के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया लिया है।
ये हमारे लाइन, ये लाइन पूरी हमने इसी तरह बना लिया है। ये देखिए इस तरह हमने पूरी लाइन बना ली है। दो दो चैन लेते हुए हमें सिंगल क्रोशिया ही होल से डाल के बनाना है हमें। लाइन हमारी पूरी हो गई। इसे काट निकाल देना। अभी यहां से हम हरा ऊन जोड़ेंगे। यहां से हमने हरा ऊन जोड़ लिया। तीन चैन लेके हमने डबल क्रोशिया किया है। डबल क्रोशिया करके उसमें हमें तीन बनाए हैं। हर एक के अंदर हमने तीन बनाए हैं। डबल क्रोशिया किया हमने इधर ऊपर। डबल क्रोशिया करके हमने एक होल में तीन बनाए हैं। इसी तरह पूरी लाइन हमें करनी है। ये हमारी लाइन हो गई। जोड़ लिया है हमने। ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। लगातार हमें सब में एक डबल क्रोशिया डालनी है। सादा लाइन हम बना लेंगे डबल क्रोशिए का। ये देखिए इसके अंदर हमने डाला है जो तीन हमने बनाया था सादा। हर एक में से डबल क्रोशिया किया है। तो लाइन ऐसी पूरी किया है। इसके ऊपर हमें चैन के अंदर से लेना है। डबल क्रोशिया ही लेना है हमें, चैन के अंदर से लेना है। जो ऊपर वाला चैन दिख रहा है उस चैन से हमें लेना है। चैन के ऊपर से ये देखिए चैन में से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है। ये लाइन इस तरह से जाएगी। इस तरह से ये लाइन हमें पूरी करनी है। यहां से हमने सफेद ऊन जोड़ लिया।
यहाँ पर दो छोड़ के हमें डबल क्रोशिया बनानी है, दो छोड़ा है हमने नीचे से, तो हमने नीचे से छोड़ा है, दो चैन लिया है, डबल क्रोशिया एक बनाया है, डबल क्रोशिया कर लिया हमने, दो चैन लेके दो छोड़ के नीचे से, दो छोड़ के बीच से डालना है, डबल क्रोशिया किया है, इस तरह से ये लाइन पूरी बनाएंगे। ये हमारा लाइन पूरा हुआ। इस तरह से बना लेंगे हम। दो चैन हमने जो नीचे लिया था उसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया चार बनाने हैं। ये देखिए चार बनाने हैं डबल क्रोशिया। एक चैन लिया हमने, एक चैन लेके हर एक में से चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे चार बनाने हैं, एक चैन लिया है, एक चैन लेते हुए चार चार बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये हमारा लाइन पूरा हुआ। ये चार के बीच में से ऊपर के लाइन में, चार के बीच से हमें डबल क्रोशिया चार बनानी है। डबल क्रोशिया चार बनानी है। यहाँ जो नीचे चैन हमने लिया है, ऊपर एक चैन लेके उसमें जोड़ना है, फिर एक चैन लेके हमें चार के बीच में से फिर चार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से चैन लेके हमने जोड़ लिया, एक चैन लिया है, एक चैन लेके सिंगल क्रोशिया जोड़ा है। इस तरह से ये लाइन हम पूरी करेंगे। इसी तरह बीच से हमें उसके ऊपर चार के बीच में से हमें चार बनानी है, डबल क्रोशिया चार। ये लाइन हमें तीन चार लाइन लेके जानी है ऐसे ही। यहाँ पर दो चैन लेना है, दो चैन लेके चार के बीच से चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये लाइन इसी तरह हम ले जाएंगे। निचले लाइन में हमने जोड़ा था, इस लाइन में हमें नहीं जोड़ना है। ये देखिए दो चैन लेके नीचे से चार के बीच में हमें डबल क्रोशिया चार बनाने हैं।
इस तरह बनाते हुए जाना है। पूरा हुआ। फिर चार के ऊपर की लाइनों में, लाइन में चार के बीच से सॉरी, एक के अंदर से एक डबल क्रोशिया हमें निकालनी है। हर एक के अंदर से डबल क्रोशिया हमें निकालनी है। जो हमने नीचे दो चैन लिए थे उसके अंदर से हमें दो डबल क्रोशिया निकालनी है। ये देखिए, चार के बीच से हमें तीन बनाने हैं डबल क्रोशिया। जो नीचे हमने दो चैन लिया था उसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हम पूरी लाइन ले जाएंगे। ये लाइन पूरा हुआ हमारा। इसके अंदर से अभी हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। सिंगल क्रोशिया हमें 15 सिंगल क्रोशिया लेना है हर एक अंदर से नीचे की लाइन से। हर एक के अंदर से हमें 15 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने सिंगल क्रोशिया 15 बनाए नीचे। दो चैन लिया, ये नीचे से तीन छोड़ के बीच से हमें तीन छोड़ना है डबल क्रोशिया। दो बनाने हैं उसमें, दो डबल क्रोशिया बना लिए, दो चैन लिया हमने। फिर तीन नीचे से छोड़ के हमें, तीन नीचे से हमने छोड़ा है सिंगल क्रोशिया। फिर 15 बनाने हैं हमें। ये देखिए, तीन छोड़ के सिंगल क्रोशिया 15 करने हैं। इस तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है। सिंगल क्रोशिया 15 बनाने हैं। दो चैन लेके तीन छोड़ के हमें डबल क्रोशिया दो बनाने हैं। फिर दो चैन लिया हमने। इसी तरह से पूरी लाइन जाएंगी। ये डबल क्रोशिया दो चैन लिया, तीन छोड़ा नीचे से, सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें इधर। इसी तरह बनाते हुए पूरी लाइन करनी है हमें। ऐसे बनाते जाएंगे।
ये देखो इस तरह से ये शेप आगे बढ़ते जाएगा। दूसरी लाइन में हमें जो सिंगल क्रोशिया लिया है हमने उसमें एक आगे से और एक पीछे से कम करने हैं, घटाने हैं। यहाँ से ऊपर की लाइनों में हमें घटाने हैं, जैसे कि हमने नीचे सिंगल क्रोशिया 15 लिया था, ऊपर हमें 13 बनाने हैं, 13 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक पीछे से और एक आगे से घटाना है। इस तरह से एक पीछे से एक आगे से हमने घटा लिए। तेरा बना लिया हमने। अब दो चैन लेने हैं, दो चैन लेने हैं हमें। दो चैन लेके जब हमने यहाँ दो चैन हमने नीचे की तरफ लिया है, उसमें डबल क्रोशिया सिंगल करना है। डबल क्रोशिया हमने एक बनाने हैं, फिर दो चैन लेने हैं और दो के अंदर जो हमने नीचे दो डबल क्रोशिया लिया था उसमें से दो ही बनाने हैं, दो डबल क्रोशिया करने हैं। उसमें बीच से दो के बीच में से दो डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं, बीच से डबल क्रोशिया दो के बीच से जाएगा ऊपर, साइड में डबल क्रोशिया सिंगल ही हमने लिया है, एक ही लिया है, एक एक बढ़ाते जाएंगे। दो चैन लेके फिर वापस हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक घटाना है। 15 किया, 13 करना है, 13 के बाद हमारा 11 होगा। इस तरह से ऊपर करते जाएंगे। ये लाइन हमारी ऐसी कर लेंगे, इसी तरह। बीच का हिस्सा हमने डबल क्रोशिया लिया है, दो बनाया है, इस तरह से शेप आएगा। देखिए इस तरह से ऊपर बना लेंगे हम, शेप जाएगा ऊपर से ऐसे ही। पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, यहाँ से बढ़ते जाएगा और सिंगल क्रोशिया घटते जाएगा, घटाते जाएंगे हम यहाँ से, एक पीछे से और एक आगे से सिंगल क्रोशिया हम घटाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा हुआ। जब जहां तीन लास्ट तीन बचेगा, हमें सिंगल क्रोशिया हमने
तीन किया है, लास्ट में हमारा तीन बचेगा। तीन के बीच से हमें दो चैन करके डबल क्रोशिया लेना है। आप सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हैं, मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया लिया है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे ऊपर। इस तरह से ये लाइन पूरी बना लेंगे। इस तरह से हमें बनाते जाना है। ये देखिए इसका शेप आ गया है। इस तरह से पूरी लाइन हमें बनानी है। यहाँ ऊपर की लाइन हमें ग्रीन कलर डाला है, हमने ग्रीन कलर जोड़ दिया। यहाँ से हमें अलग बनाना है डिजाइन। इधर ये देखिए डबल क्रोशिया, हमने चैन के बीच से डबल क्रोशिया लिया है, पांच चैन किया है, सादा चैन पांच किया है, उसके अंदर से हमने घुमा के सिंगल क्रोशिया किया है। इस तरह से इसका डिजाइन बनेगा। डबल क्रोशिया के अंदर से हमने पांच चैन लेके घुमा के उसको सिंगल क्रोशिया किया है। इस तरह से हमने ये डिजाइन बना लिया। इसी तरह से पूरी लाइन हमें करनी है। पांच चैन लेना है, उसके अंदर से घुमा के हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे डिजाइन उसके ऊपर आएगा। इस तरह से पूरी लाइन हमें इसी तरह से बना लिया है हमने। ये देखिए